हमारे भाई को हमसे अलग करोगे? हमारे भाई को? आनंद भैया क्या कर रहे हो? रेड को मार रहा हूँ, बहुत मारूंगा। आनंद भैया ऐसे इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हम कितने लोगों को मारते फिरेंगे। हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा ताकि कोई हमारी जिंदगी को अपने हिसाब से ना चला पाए। हम जीत के बिहार गए भीम, पर भैया फिर से वहीं चले गए। आनंद भैया किताबें इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि सबको किताबों से प्यार हो। किसी को बात जैसे भी प्यार हो सकता है। दिमाग खराब हो गया तेरा? नहीं पल्लव, ये जो कर रहे उन्हें करने दो। दीदी बाला भी गलत नहीं है। भीम ये क्या कह रहे हो तुम? दीदी अगर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम एक जैसे होते हैं, तो बाला भैया का बाजा बजाने वाला काम छोटा कैसे हो गया? हाँ भीम, सब काम बराबर होते हैं, लेकिन ये जो बाजा बजाने वाले लोग होते हैं ना, ये शराब वराब पीकर अपनी जिंदगी पर बात कर लेते हैं। बाबा इसी बात से तो परेशान है ना? अरे सबको उठा उठा पटक पटक के मारूंगा मैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि सारे बाजा बजाने वाले पीते ही हो। लेकिन भीम अभी बाला भैया की पढ़ने लिखने की उम्र है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी तो खराब हो सकते हैं ना, जैसा हमारे घर के सामने वाली चाय वाली दुकान में सारे पढ़े लिखे जाते हैं, लेकिन देखो कैसे हैं। दीदी बाला भैया को हमें वापस घर जाना चाहिए और उन्हें जो करने वो करने देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया उसका, बाजा वाले ने काम से निकाल दिया फिर भी वो बाजा बजाएगा। हुआ क्या है? कितना भी समझा समझता ही नहीं, बस बाजा बजाना है बाजा बजाना है, एक ही रट लगा के बैठा है। एक जगह काम से निकाल दिया तो दूसरी जगह जाके काम ढूंढ लूंगा, कहीं बाजा बजाने का। बाला बाला भैया, बाला भैया घर चलो। हाँ बाला चलना घर। नहीं बाला भैया आपको जो करना है वो करना, हम बाजा बजाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन आप घर चलो। हाँ बाला चलना आप घर। और बाबा? वो सब देखा जाएगा, तू घर चल। बाला भैया आप इतने ठंड में क्यों बैठे थे? आपको खुद ही घर आना चाहिए था ना। हाँ बाला, और ये रूठने बनाने का काम तो छोटे भाइयों का होता है ना, यहाँ तो बड़ा भाई रूठ के बैठा है और छोटा भाई उसे मना रहा है। चल अब घर। अरे चोर मेरे गहने लेके भाग गया, चोर उसे पकड़ो। चोर चोर पकड़ो पकड़ो चोर। अरे बेब रो, अरे कहाँ जा रहे हो तुम गहने? भीम बाला, अरे चोर पकड़ो मेरे गहने। बाप रे इतने सारे लोग, बाबा को पता चले। चोर मेरे गहने लेके भाग गया, पकड़ो पकड़ो। इधर ही गया, इस तरफ चलो चलो। अरे रुको रुको, यहाँ अंधेरे में ये कौन खड़ा है? कौन है कौन है? चल यहाँ क्यों चुप रही है, चल छोड़ो मुझे, चल छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे ये तो रामजी सतपाल की बेटी है, पर ये इस वक्त यहाँ कर क्या रही है? चोरों के साथ मिली होगी और क्या कर रही है? नहीं हम नहीं है चोर के साथ। मेरा विश्वास कीजिए,
हमने नहीं चुराए आपके गहने, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जाने दीजिए मुझे, छोड़ नहीं है हम। हर चोर जब पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है कि हमने चोरी नहीं की, हमारा विश्वास कीजिए। अरे मैं तो कहता हूँ इसके बाप को बुलाते हैं पहले, तभी फैसला होगा। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ बुला के लाओ रामजी सकपाल को। मैं जाता हूँ रामजी सकपाल को बुलाने, आओ कोई मेरे साथ। कर रहे हैं आप, मेरे बच्चे चोरी नहीं कर सकते। अरे चोरी नहीं कर सकते मतलब क्या, वो दोनों यहाँ से चोरी करके भागे हैं, और ये तुम्हारी बेटी, इसने उन दोनों को भागने में उनकी मदद की है। नहीं, मेरे भाइयों ने आपके गहने नहीं चुराए, वो तो चोर को पकड़ने गए। ठीक है, मैं अपने दोनों बेटे को पकड़कर यहाँ लेके आता हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हम सब तो यहाँ गधे हैं, तुम उधर जाओ ताकि तुम बाप बेटे मिलकर गहने गुम कर दो। अब गहने तो बच्चों से बरामद करके रहेंगे, और अगर नहीं हुए तो उसका हर जाना उनका बाप भरेगा, बस बात खत्म। अरे बेटे ने चोरी नहीं की, फिर हम हर जाना क्यों भरे? तेरे बेटों ने अगर गहने नहीं चुराए तो फिर किसने चुराए? और ये चोर वोर ये सब तुम्हारी ही जाति के होते हैं। हाँ जिसने गहनों की चोरी की थी वो हमारी जाति का नहीं है। और नहीं तुम सबकी जाति का, वो चोर की जाति का था, और चोर की कोई जाति नहीं होती, चोर सिर्फ चोर ही होता है। क्यों गए थे तुम दोनों, तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता है, चोरी बुरी बात है ना, और अपने आंखों के सामने चोरी होते हुए नहीं देखना चाहिए ना। जब अपने गहने बेचे थे तो वो बहुत दुखी हुए थे, गहने बहुत कीमती होते हैं ना आई, इसलिए मैं चोर के पीछे भागा। आई, इसी चोर ने हमारी मिट्टी का तेल भी चुराया था। देख लिया आप लोगों ने, आंख खोल के देख लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए, चोर नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि आपके गहने चोर से बचा के लाए हैं ये। और बात बात पे जात की बात करते हो ना आप लोग, तो इस चोर की क्या जात है? आप में से किसी के जात का होगा ना। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम, अपने पे बात आई तो ज्यादा बोल रहे। एक कहावत है, ऊपर मुंह करके थूकने पर खुद पर ही गिर जाता है। झूठा आरोप लगाने से पहले जान लिया करो सही बात क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आरोप घूम के आप पर ही लगे। चलो यहां से सब लोग।